कोई भी काम कराएंगे बगल में एक बोर्ड अवश्य लगाया जाएगा कि यह फलाना काम माननीय विधायक द्वारा या माननीय सांसद द्वारा संपन्न कराया गया। सर ये बोर्ड की कहां तक जरूरत है, क्योंकि जनता ने आपको चुना ही इसलिए कि आपको काम कराएं। सर आप तो मेरे को कुछ बड़े काम बता सकते हैं अपने क्षेत्र में जो आपने किए हो और जिसका फायदा सीधी जनता को मिला। आप टीका लगाते हैं, आप होली की मुबारकबाद देते हैं, दीपावली की मुबारकबाद देते हैं, संक्रांति की मुबारकबाद देते हैं, ईद और बकरीद की मुबारकबाद तो स्वाभाविक है आप देंगे। सर जब आप इस तरीके की मुबारकबाद देते हैं तो धर्म गुरुओं द्वारा आप पे आपत्ति नहीं जताई जाती कि आप टीका क्यों लगाते हैं या तो फिर आप हिंदुओं के त्योहारों की मुबारकबाद क्यों देते हैं? सर आपको ऐसा क्या लगता है कि देखिए सिंधिया जी की सम्मान में कहां कमी आ गई, मतलब सिंधिया जी की सम्मान में ऐसी क्या कमी आ गई थी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया और साथ में अपने समर्थित विधायकों को भी बीच लिया। सर भारत सरकार NRC CAA और NPR लाए, सरकार का कहना है 2024 तक हम पूरे देश में NRC करवाएंगे, इस विषय में आपको क्या राय है? जिस नीति से NRC का सर्वे चलने की बात चल रही है वो नीति अपने आप में सही है। ये कोई देश में एक्सपर्टी बैठा है तो इसके लिए क्या करें, NRC नहीं लाए क्या करें? सर 9 नवंबर 2019 को एक ऐसा फैसला आता है जो बहुत विवादित था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको विराम लगाया और फैसला आपको भी पता है कि वहां पे राम मंदिर बनने का फैसला आया। आपको क्या राय है आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सबकी सिंपति है कि सर अगले साल अंत में फिर से चुनाव और आपको क्या लगता है आप दोबारा जीत दर्ज करा पाएंगे? फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद पर मतलब पोस्टर बनाया जाता है, कार्टून बनाया जाता है, भारत सरकार फ्रांस सरकार के समर्थन में आती है कि हम आपके साथ हैं, आप इकबाल मैदान में इकट्ठा होकर उनके विरोध में खड़े होते हैं, भारत सरकार के विरोध में क्या कर, भारत सरकार कुछ भी कह देगी तो मान लेंगे। क्या मेरे को ये बता सकते हैं विधायक की एक्चुअल में पगार कितनी होती है? आप भारत को भविष्य में किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप अपने आप को भविष्य के CM के तौर पर देखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। द हिंदुस्तान टुडे का यह विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है सवाल जनता के हक के। इस कार्यक्रम में हम विशेष तौर पे उन नेताजी के पास जाते हैं जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है और हम नेताजी के सम्मुख वही प्रश्न प्रस्तुत करते हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। आज हम भोपाल के मध्य क्षेत्र के विधायक माननीय श्री आरिफ मसूद जी के पास हैं। आज हम उनसे उस सभी विषयों पे सवाल करने वाले हैं जिनका जवाब जनता सीधे तौर पे जानना चाहती है। यह सवाल जनता के हक का पहला एपिसोड है। इस वीडियो में हम हर उन पहलुओं पे सवाल करने वाले हैं माननीय विधायक जी से जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। शुरू से लेकर अंत तक सभी सवाल करेंगे। वीडियो के विषय में आपका जो भी कहना हो अंत में आप अवश्य कहिएगा। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिंदुस्तान टुडे में। सर मेरा सबसे पहले आपका आपसे यह सवाल है कि आप राजनीति में कैसे आए, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, आप कितने संघर्षों के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं और क्या क्या आपको करना पड़ा, आपकी क्वालिफिकेशन कैसी रही, क्या पढ़ाई करी, आपने किस विषय में पढ़ाई करी, जनता जानना चाहती है। देखिए संघर्ष तो बहुत लंबा है, बहुत छोटे से वक्त में नहीं बताया जा सकता, इसके लिए तो लंबा समय लगेगा। सर जितना 30 साल पॉलिटिकल संघर्ष करा है और राजनीति में क्यों आया ये सवाल आपने करा, तो ये सवाल का जवाब मेरा ये है कि मैं राजनीति में संघर्ष के जरिए ही आया। मैं एक आंदोलन के चलते 8th क्लास में था, गेस्ट ट्रेजडी हुई थी, उसको लेके सारे स्कूल्स के लोग एक डिमांड कर रहे थे कि हमको जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए। उस दौरान उन लोगों के साथ खड़ा हो गया, बच्चा था 7th 8th क्लास में, तो बस वहीं से शौक हो गया और इसको आंदोलन से शुरुआत कह लीजिए, वहीं से राजनीतिक शौक चल गया और फिर राजनीति में लग गए। क्वालिफिकेशन में LLB M.Com LLB। अच्छा LLB आता है M.Com। सर मैं अभी यहाँ पे आ रहा था आपसे इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने रास्ते में बहुत सारे आपके होर्डिंग्स देखे, बहुत सारे फ्लैग्स देखे, उनमें लिखा हुआ था 3 साल बेमिसाल। तो ये जो 3 साल बेमिसाल रहे ये आपके लिए बेमिसाल रहे या आपके क्षेत्र की जनता के लिए बेमिसाल रहे? अब ये सवाल तो जनता से पूछना चाहिए, मेरे साथियों ने होर्डिंग लगाए और जो स्लोगन उन्होंने दिया है, तो इसका जवाब तो जनता बेहतर देगी। जनता से तो हम पूछेंगे, आपको क्या लगता है आपने किया है जनता के लिए कुछ? 15 साल पहले से लगातार इस विधानसभा का जो परिसीमन हुआ 15 साल हो गए,
दस साल पूर्व निकल चुके हैं, तीन साल मेरे। जिस बस्ती में जाता हूँ लोग कहते हैं 15 साल और 18 साल बाद रोड बना, गिट्टी का रोड डलता है तो लोग बोलते हैं 20 साल बाद डला है। स्लम एरिया में जाता हूँ तो वहाँ लोग कहते हैं आज तक यहाँ कभी कोई नहीं आया था, पहली बार आप आए। जितने रोड के सब्जी मंडी, उदाहरण का एक मिसाल दूँ, भोपाल सिटी और किसी भी सिटी की सबसे बड़ी मंडी होती है जो पुरानी मंडी कहलाती है, घोड़ा नक्काश वार्ड नंबर 19 में मंडी निर्मित है। 40 साल बाद वहां दुकानदारों से जाके पूछिए, वो जो दुकानदार वहां बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि 40 साल में पहली बार वहां पर रोड का निर्माण हुआ है। ऐसी अनेक बस्तियां हैं और अनेक जगह हैं जहां पर 15 और 30 साल बाद सड़क का निर्माण और बाकी विकास के कार्य हुए। सर, कोई भी नेता, ये मेरा इंडिविजुअल आपसे सवाल नहीं है, कोई भी नेता या वो फिर विधायक हो या वो सांसद हो, जब वो कोई भी काम कराता है तो अपना प्रचार करना नहीं भूलता है। कोई भी काम कराएंगे बगल में एक बोर्ड अवश्य लगाया जाएगा कि यह फलाना काम माननीय विधायक द्वारा या माननीय सांसद द्वारा संपन्न कराया गया। सर, ये बोर्ड की कहां तक जरूरत है, क्योंकि जनता ने आपको चुना ही इसलिए कि आप वो काम कराएं। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही है, वोट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता मुझे लगता था, मैंने अपने साथियों को शुरू में मना करा, और सिटी में मैं आज भी नहीं लगवाता नए भोपाल में, क्योंकि सिटी में कंजेस्टेड इलाका है, अगर एक बोर्ड लगेगा तो जगह गिरती है, तो मैंने सख्ती से मना किया हुआ है कि कुछ एक दो जगह लगा हूँ। नए भोपाल में मेरे साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि यहाँ लगाना जरूरी है, और जरूरी इसलिए है कि यहाँ भ्रम फैलाने वाले और षड्यंत्रकारी भाजपा नेता यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं और काम अपन कराते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार में स्वीकृत था तो इसलिए वोट लगाया गया। अच्छा, कुल मिला के क्रेडिट कोई और ना ले जाए तो इसलिए ही वोट लगाया जाए। सर, आप तो मेरे को कुछ बड़े काम बता सकते हैं अपने क्षेत्र में जो आपने किए हों और जिसका फायदा सीधी जनता को मिला हो? मैंने आपको यही बताया, मंडी का रोड स्लम एरिया में चले जाइए, 55-60 लाख रुपए का मैंने पूरे के पूरे जितने स्लम्स के पाइप थे उन मल्टियों के पाइप जो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी, गंदगी बाहर बह रही थी, वो पूरे 52-55 लाख रुपए के हुए। अंबेडकर भवन जाकर देखिए, एक निर्माण हुआ जो कभी नहीं हुआ था। और मेरे कहना अनगिनत काम हो सकते हैं, संजीवनियां सबसे बड़ी मेरी एक विधानसभा जिसके अंदर 8 संजीवनियां एक साथ चालू हुई, एक एक संजीवनी पे लगभग आज के दिन में रोज 80 से 100 पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये संजीवनी का निर्माण कराया अपनी निधि से कराया, सरकार के भवनों में नहीं कराया, ज्यादातर मैंने अपनी निधि से लगा के उसको बनाया। मैंने स्कूल को भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए एक स्कूल के अंदर अपना उसमें पैसा लगाया, हमने 2 एम्बुलेंस राहुल गांधी जी ने के निर्देश पे 2 एम्बुलेंस देने का कहा गया था, दी गई। काम तो इतने हैं कि मैं गिनाने बैठूंगा, अगर आपको मुझे अंदाजा होता कि आप मेरे काम के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं लिस्ट लेके बैठता, क्योंकि मेरे काम इतने हैं कि लिस्ट से बताए जाएंगे, और बेहतर होगा कि मैं बताऊं, जनता से पूछेंगे या नेताओं से नहीं पूछेंगे, जनता से पूछेंगे तो मेरी विधानसभा की जनता उस क्षेत्र के लोग बता देंगे। चलिए, अगले साल चुनाव में हम जनता से अवश्य पूछेंगे। सर, मेरा आपसे अगला सवाल यह है, आप टीका लगाते हैं, आप होली की मुबारकबाद देते हैं, दीपावली की मुबारकबाद देते हैं, संक्रांत की मुबारकबाद देते हैं, ईद और बकरीद की मुबारकबाद तो स्वाभाविक है आप देंगे ही। सर, जब आप इस तरीके की मुबारकबाद देते हैं तो धर्मगुरुओं द्वारा आप पे आपत्ति नहीं जताई जाती कि आप टीका क्यों लगाते हैं, या तो फिर आप हिंदुओं के त्योहारों की मुबारकबाद क्यों देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है धर्मगुरु इस विषय में अक्सर कुछ ना कुछ बोलते हैं। नहीं देखिए, धर्म गुरुओं के लिए गलत प्रचार है, हर धर्म के मानने वाले को उसके नाम्स को याद होना चाहिए, और मैं शरीयत को मानने वाला हूँ, शरीयत ने जहाँ तक इजाज़त दी है शिर्क और बिदअत से बचने की, उन दोनों चीज़ें से पूरा बचता हूँ, और वो दोनों चीज़ें इसमें नहीं आती, क्योंकि अगर मैं किसी एक दूसरे धर्म को, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ सभी लोग सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा मजहब भी कहता है, तो अगर हम अपने देश के दूसरे देश के साथियों को अगर हम मुबारकबाद देते हैं या उनके त्यौहार में उनकी खुशी में हम शामिल होते हैं तो ये हमारे मजहबी कहीं बंधन नहीं, मतलब कुल मिला के भाईचारे को सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जब आप जीते थे 2019 में, आप यहाँ के विधायक बने, तब आपकी सरकार बनी यानी कांग्रेस की सरकार बनी, लगभग 15 महीने कांग्रेस की सरकार चलती है, इसके बाद सिंधिया जी और उनके विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार गिर जाती है और बीजेपी की सरकार बनती है। जो उस समय आपने 15 माह काम किया और अब 15 माह बाद जो आपने काम किया,
तब से लेके अभी तक जो आप कर रहे हैं, उन दोनों काम में कुछ अंतर समझ में आता है कि उस समय काम आसानी से होता था अब नहीं हो पाता, या उस समय नहीं होता था आसानी से अब हो पाता है? नहीं देखिए, परेशान उस टाइम पे भी अधिकारियों पे दबाव बीजेपी वाले लोग अननेसेसरी बनाते, और सरकार थी तो थोड़ा आसानी होती थी विकास कराने में। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल दूं कि भवन निर्माण चाहता अस्पताल 30-30 बेड का, तो मेरे 15 महीने की सरकार में मुझे जमीन के अलाटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, 30-30 बेड के 3 अस्पताल मैंने स्वीकृत करा अपनी सरकार में, एक पुरानी सिटी में MLB कॉलेज के पास जो अब हमीदिया कॉलेज हो गया है, और एक जहांगीराबाद में, और तीसरा स्लम एरिया के अंदर 12 नंबर बल्टी के पास। MLB वाली तो जगह अलाट हो गई, बाकी जगह पे क्वेश्चन लगा दिया बीजेपी। जाहिर है जब सरकार नहीं चाहेगी, वो चाहती नहीं है कि मेरी विधानसभा में हो, तो कोरोना जैसे महामारी के पीरियड में जहां अस्पतालों की आवश्यकता थी, ऐसे समय में मेरे अनेक पत्र लिखने के बावजूद, मेरे कई बार कहने के बावजूद, अगर उनको स्वीकृति नहीं मिल रही तो सरकार रोक रही। और ऐसा सरकार क्यों कर रही है कि आप विकास न कर पाए? वो उनका उद्देश्य ही होगा कि मेरी छवि को खराब कर सके। सर आपको ऐसा क्या लगता है कि देखिए सिंधिया जी के सम्मान में कहां कमी आ गई, मतलब सिंधिया जी के सम्मान में ऐसी क्या कमी आ गई थी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया और साथ में अपने समर्थित विधायकों को भी लेके चले गए? देखिए मेरी नजर में तो कोई ऐसा वाकया गुजरा नहीं, इंटरनली कुछ उनके साथ हुआ हो तो उसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन जहां तक मैंने देखा दूर से, जितना कांग्रेस को मैंने समझाया, कांग्रेस ने, मैंने गांधी परिवार को समझाया, मैंने राजीव गांधी जी को भी देखा, मैं NSCI में उनके सामने काम करने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला कई बार, और राहुल गांधी जी को देखा, प्रियंका गांधी जी को देखा, इंदिरा जी का, सोनिया गांधी जी का कार्य देखा। गांधी परिवार ने जिस सम्मान के साथ उनको अटेंड किया, मैं नहीं समझता कि अभी के दौर में, पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के दौर में कोई एक भी नेता नहीं होगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा देश का महामंत्री ICC का 2 राज्य 3 राज्य या सिंगल 1 राज्य का प्रभारी होता है। पहला ऐसा राज्य था उत्तर प्रदेश जिसके 2 प्रभारी थे, जिसमें एक प्रियंका गांधी जी थी और एक वो, तो इससे स्वाभाविक छोटे से कार्यकर्ता और देश की जनता को यह एहसास है कि सम्मान में तो कोई कमी नहीं थी परिवार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। अब कोई छोटी मोटी जो बातें उनकी और कांग्रेस के वर्तमान लीडरों की रही, उसको मैं नहीं जानता। सर भारत सरकार NRC CAA और NPR ला रही है, सरकार का कहना है 2024 तक हम पूरे देश में NRC करवाएंगे, इस विषय में आपकी क्या राय है? नहीं, हमने पहले भी विरोध करा, आगे भी विरोध करेंगे, पहले भी आंदोलन चलाया, भविष्य में भी आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि NRC की आवश्यकता नहीं है। सर NRC की आवश्यकता तो इसलिए है कि मान लीजिए कोई दूसरे देश से आके बस गया हो देश में, घुसपैठिया हो, कुछ गलत गतिविधि को अंजाम दे सकता है, तो उसको करवाना जरूरी है। जिस नीति से NRC का सर्वे चलने की बात चल रही है, वो नीति अपने आप में संदेह। सर आपको किस नीति से चल रही है? क्यों बांग्लादेश में जिस तरह से करा, बांग्लादेश की घुसपैठियों के नाम पे जो साइड में हमारे वेस्ट बंगाल में और वहां पे करा, उसके क्या नताइज है? जो रिफ्यूजी कैंप में जिन लोगों को रखा, आज तक उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाए, आज तक वो डिसाइड नहीं कर पाए चंद लोगों का कि ये इधर है कि उधर है, तो जब उनका पैमाना आज तक नहीं कर सके, एक अकेले राज्यों का, 2 राज्य हैं, 2 राज्यों में आज तक डिसाइड नहीं हो सका, रिफ्यूजी कैंप भरे पड़े, उनको सुविधा नहीं, उनके बारे में बता नहीं पाते कि हम हमारे यहाँ का ये नहीं है, कभी हम कह देते कि हमारे नहीं है, तो कभी कह देते हैं हमारे नागरिक हैं, ऐसे कई सर्टिफिकेट कई उदाहरण हमारे में मौजूद हैं। तो जब ऐसी नीतियां स्पष्ट नहीं हो और देश में जहां लाखों करोड़ रुपए इस पर बर्बाद हो, तो उससे बेहतर है कि देश में विकास के लिए दूसरे बहुत सारे काम इस पर करना चाहिए। सर ठीक है, उसके लिए तो हम विकास के लिए काम कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई देश में घुसपैठी बैठा है, उसके लिए फिर क्या करेंगे? NRC नहीं लाए क्या करेंगे? क्यों बाकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? एजेंसियों को बाकी सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? भाई आपकी इंटेलिजेंस फोर्सेज है ना, फॉरेन डिपार्टमेंट का क्या रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट अपने पास है ना, उसका काम यही तो है। तो मतलब उनको काम का काम क्या है? NRC ना करें, उनको काम काम बिल्कुल। सर 9 नवंबर 2019 को एक ऐसा फैसला आता है जो बहुत विवादित रहा, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विराम लगाया और
फैसला आपको भी पता है कि वहां पे राम मंदिर बनने का फैसला आया और अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई। इस विषय में आपको क्या राय है? देखिए, इस पे बहुत सारे डिबेट्स हो चुकी है। मैंने बहुत पहले भी कहा कि बाबरी मस्जिद का जो केस था वो रेवेन्यू के हिसाब से केस चल रहा था। दो पक्ष लड़ने गए थे, एक निर्मोही अखाड़ा, एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, और दोनों के बीच का विवाद था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि आस्था पर आ गया, और लेकिन एक फैसला न्यायपालिका जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय मानते हैं, उसके आने के बाद सभी लोगों ने उस फैसले को एक्सेप्ट भी करा लोगों ने, और जिन्होंने नहीं करा उन्होंने ये माना कि भले ही फैसला देगी। जो कोई फैसला होता है तो एक का पक्ष होता है और दूसरे का खिलाफ होता है, ये बहुत स्पष्ट बात है। फैसला लेकिन आ जाए तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी लोगों ने उसका रिगार्ड्स करा, और उसी वजह से आपने देखा कि देश में कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। सर, आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति सिंपथी है कि नहीं, मेरा ये सवाल। नहीं, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू के हिसाब से दिया नहीं था, आस्था पे दिया। केस तो बाबरी मस्जिद का रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से लड़ा गया था, और एक जमीन के टाइटल पे लड़ा गया था जिसके अंदर सूट फाइल हुआ था। जो सूट फाइल हुआ था उस पर प्रेयर ये हुई थी कि ये खसरा देखा जाए, जो रेवेन्यू एक्ट है देश का वो बड़ा साफ है कि हम लोग खसरे देखते हैं आजादी से पहले की और बाद की, और 69 के खसरे देखते हैं, 47 के खसरे देखते हैं, आजादी के बाद के देखते हैं। उन सारी चीजों में वो जगह बाबरी मस्जिद के नाम पे चली थी, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उससे डिफर होकर एक आस्था का प्रश्न मानते हुए उस पर फैसला दिया, तो इस पर अब क्या कह पाएंगे। सर, अगले साल अंत में फिर से चुनाव है, और आपको क्या लगता है, आप दोबारा जीत दर्ज करा पाएंगे? अभी लगभग 20 महीने का समय है, इन 20 महीने में आपको सौगात देना चाहते हैं अपनी क्षेत्र की जनता को ताकि वो आपको दोबारा चुने? ये तो फैसला जनता के ऊपर है, और मैं तो आसमान वाले से दुआ करता हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि आसमान वाला की निगाह ठीक रहे, और जनता के बीच में हमारी जो आस्था, जो हमने काम करा वो बना रहा। और मैंने पहले भी कहा था कि नेता नहीं बेटा चुनो, और मैं उसी स्लोगन के साथ अपनी जनता के बीच गया था, और मैंने जनता से कहा था कि ये नफरत फैलाने वाले जो मुझे कट्टर बता रहे हैं, बेशक मैं मुसलमान हूँ और एक ईमानदार मुसलमान हूँ, आप मुझे एक बेटा मान के विश्वास करिए, आपको जब मुझे विश्वास करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 साल में, तो अभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा कि जो मध्य विधानसभा की मेरी जनता के बीच में कहीं नफरत या खाई खड़ी होने का प्रयास या कोई दुख पहुंचाने का प्रयास मेरी तरफ से हुआ। उम्मीद है कि 2 साल भी अगले मैं बहुत अच्छे से गुजारूंगा, और लोगों के दुख दर्द और काम के लिए बने, ये मेरी लायबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करूं। और पूरा करने के बाद जनता से ही कहूंगा कि जनता के बीच जाऊंगा कि अगर आपको लगेगा कि मुझे दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए तो आप लड़ाइए, और अगर जनता कहती है कि नहीं लड़ना चाहिए तो नहीं लड़। सर, एक थोड़ा गंभीर सवाल है मेरा आपसे, अगला सवाल। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का मतलब पोस्टर बनाया जाता है, कार्टून बनाया जाता है, भारत सरकार फ्रांस सरकार के समर्थन में आती है कि हम आपके साथ हैं, आप इकबाल मैदान में इकट्ठा होकर उनके विरोध में खड़े होते हैं, भारत सरकार के विरोध में खड़े होते हैं, गलत क्या करा? भारत सरकार कुछ भी कह देगी तो मान लेंगे। भारत सरकार कोई अलोकतांत्रिक निर्णय कर लेगी, संविधान के खिलाफ कर लेगी। संविधान में राइट्स हैं, संविधान ने हमें राइट्स दिया, हम अपने धर्म के बारे में अपनी बात रख सकते हैं, और किसी भी धर्म के बारे में कभी भी भारत सरकार का कोई भी आर्टिकल या कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो ये इजाजत देता हो किसी धर्म की आप टिप्पणी खिलाफ कर। तो अगर कोई करता है तो उसके बारे में हमें बोलना और विरोध करना हमारा फर्ज है, और हमने कहा। मगर सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जो भारत सरकार होती है वो भविष्य देख के भी काम करती है, वो हर पहलुओं को देख के काम करती है कि हमें किसका समर्थन करना है, किस प्रकार समर्थन नहीं करना है ताकि भविष्य में हमें फायदा हो सके। तो अगर भारत सरकार उनका समर्थन कर रही है तो फिर आप विरोध कर रहे हैं, वो बात समझ लो। बिल्कुल, भारत सरकार के समर्थन करने या न समर्थन करने से कुछ नहीं है, क्योंकि भारत सरकार इस टाइम जो चल रही है, जब जो अम्बेडकर जी के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, जो दलितों का अपमान कर रही हो, जो आदिवासियों को मार रही हो, जो कभी अफगानिस्तान का समर्थन कर देती हो, इस सरकार से क्या उम्मीद है? भारत सरकार ने तो अफगानिस्तान का समर्थन नहीं किया, बराबर किया तालिबान में, क्या किया वहां जो बना रहे हैं? तालिबान आने के बाद चुप क्यों है? आज तक कभी खंडन कर एक बयान लाइए आप मुझे तालिबान के खिलाफ भारत सरकार। नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ जी, भाजपा नेता तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
उनकी सरकार का बयान लेके आई आप आधिकारिक तौर, एक आधिकारिक बताइए ना मुझे सर, मतलब केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है आपकी उसके विषय में क्या राय है? ये सरकार अलोकतांत्रिक और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली सरकार, इसमें देश को विकास के नाम पे, युवाओं को रोजगार के नाम पे ठगाए, किसानों को ठगा, ये ठगी हुई सरकार, ठगी हुई सरकार। सर आप पहली बार विधायक बने हैं, विधायकों को बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है सरकार के द्वारा, क्या मेरे को ये बता सकते हैं विधायक की एक्चुअल में पगार कितनी होती है और उनको किस प्रकार की कितनी सुविधाएं दी जाती है? सारी सुविधाएं मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं जानना चाहता, जनता जानना चाहती है। मैंने बहुत सुविधाएं ली नहीं तो मुझे ज्यादा ज्ञान भी नहीं, और सुविधा की तरफ में आप देख रहे हो, ये वाला भी मेरा ऑफिस का जो मुझे तो बड़ा बंगला मिल सकता था, मैंने छोटा लिया जनता की सुविधा के लिए, रोड के ऊपर लिया ताकि नए और पुराने भोपाल को जो बांटने की बात की जाती थी, मैंने ऐसा लिया कि जहां मिनी बस ऑटो रात बेरात दिन कभी भी रुकता और आदमी मेरे पास आ सके, कोई भी जनता आपसे, कोई भी जनता आ सके। पगार जहां तक है मेरी शायद 45-40 हजार रुपए पगार है। सर ये आपकी ही है कि मध्य प्रदेश के सभी विधायक, सभी विधायकों की है और बाकी TA DA और सब मिला के लगभग 1 लाख रुपए करीब 95,000-1 लाख रुपए बनता है। अभी मीडिया में बात आई थी विधायकों ने अपने पगार खुद बढ़ा ली, नहीं ये बात अक्सर उठी है कि विधायकों का पैसा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बात सच है कि हर विधायक सक्षम नहीं होता, जनप्रतिनिधि चुन के आया है, वो चुन लिया गया है जनता की मकबूलियत पर, जनता उसको पसंद करती थी वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अब उसके जीतने के बाद उसके खर्चे उसके परिवार से ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों का आना जाना मेंटेन करना तो उसके ऊपर बहुत भार पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिनका खुद का रोजगार है का जो अपने काम धंधे करते हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कई विधायक ऐसे हैं जो बड़ी सीमा से नीचे हैं तो उनको दिक्कत आती है, बस। तो कुल मिला के विधायक को 40,000 एक पेमेंट मिलती है और उस पर DA TA मिला के लगभग 1 लाख तक पहुंच जाता है, अभी वर्तमान समय की जो मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी है। इसके अलावा जो सुविधाएं मिलती है, पेंशन वगैरह और गाड़ी बंगला, ये सब क्या क्या थोड़ा सा बता सकते हैं सर? थोड़ा सा नहीं, विधायक को गाड़ी नहीं मिलती, ना गाड़ी ना पेट्रोल ना कुछ, ना गाड़ी मिलती है ना पेट्रोल मिलता है, बंगला मिलता है। हाँ, बंगला मिलता है। और कुछ सुन रहे हैं सर? नहीं बाकी तो मुझे आपने नहीं ली या मिलती नहीं? मैंने कभी नहीं, मिलती भी नहीं, ज्यादा सुविधाएं मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐसे ज्यादा है, दिगर राज्यों की अपेक्षा बात होती है तो जैसे टिकट मिलते हैं तो मुश्किल से 20,000 रुपए के साल भर का टिकट मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा सुविधा मिलती नहीं है। सर पेंशन तो मिलती है? पेंशन मिलती है। पेंशन लगभग कितनी होती है? अभी पेंशन का सोचा नहीं, अभी तो कार्यभार में है। सर अंतिम सवाल मेरा आपसे, आप भारत को भविष्य में किस ओर ले जाना चाहते हैं, भारत का भविष्य किस ओर देखते हैं, और क्या आप अपने आप को भविष्य के CM के तौर पर देखते हैं? नहीं खैर, ऐसी गलतफहमी तो कभी जीवन में ना पाली है ना पालेंगे कि मुख्यमंत्री ये सोचे, लेकिन भारत का सवाल जो आपने करा है वो बिल्कुल एक दिल को छूने वाला है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ ये मुल्क बड़ी मेहनतों के साथ अंग्रेजों से हमारे बुजुर्गों ने आज़ाद कराए, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे समाज ने सबके साथ मिलकर, सभी लोगों ने एक साथ होकर तमाम फ्रीडम फाइटर बने और उन्होंने सबने देश को आज़ाद कराकर हमको दिया, और जब सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर देश आज़ाद कराकर दिया तो उस दौर में सभी धर्मों के तमाम लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स की एक ही सोच रही होगी कि ये देश दुनिया का बड़ा आला देश बने और इस देश में हर वो चीज़ हो जो दुनिया में मौजूद है। जब ये सोचकर उन्होंने सपना सजो कर हम लोगों के लिए दिया तो आज हमारा फर्ज बनता है कि इस देश को तरक्की दिलाने के लिए हम सब लोग मिलजुल कर सहयोग कर कर आगे बढ़ाएं। लेकिन आपके जरिए पैगाम देना चाहता हूं कि एक तरफ नफरत फैलाने वाली सरकार बैठी है जो देश में और प्रदेश में जो केवल विकास और बढ़ता हुआ प्रगतिशील देश को रोकना चाहती है झगड़े फसाद करा के। नौजवान को खुद चाहिए, किसान को खुद चाहिए, जनता को खुद चाहिए कि खुद वो अंबेडकर के संविधान को समझे और जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसके तहत इस देश को दुनिया में आला देश बनाने के लिए नफरत खत्म करके अमन को कायम करें तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो यहां तक हमने सारे सवाल जो जनता के मन में हैं वो माननीय विधायक जी से पूछे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, ये हमारा विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है सवाल जनता के हक के। तो यहाँ पे हमने माननीय विधायक जी से उन सभी पहलुओं में बात करी जिन पहलुओं में बात करना जरूरी था, जनता जिनका जवाब जानना चाहती थी, उन सभी सवालों को हमने माननीय विधायक जी से पूछा। विधायक जी ने भी हर सवाल का
बड़ी ही शालीनता से और बड़ी ही चतुराई के साथ जवाब दिया। आपका इस वीडियो के लिए क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सवाल जनता के हक के कार्यक्रम का यह पहला एपिसोड था। आपका कुछ भी इस वीडियो को लेकर कहना हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की वीडियोस पाते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा नाम अरुण गुप्ता, कैमरे के पीछे हैं हितेश यादव जी। हर खबर अब देसी अंदाज में।